सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। मेरठ पहुंचे खाद्य एवं औषधि विभाग राज्य मंत्री धर्म सिंह सैनी ने मेडिकल के खाद्य एवं औषधि विभाग की क्षेत्रीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला का लोकार्पण किया। खाद्य एवं औषधि विभाग के सुंदरीकरण के कार्य का उद्घाटन भी किया। राजकीय मोबाइल प्रयोगशाला वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मेरठ और मेरठ मंडल के लोगों को मिलावटी खाद्य वस्तु से मोबाइल वैन करेगी जागरूक। साथ ही बाजार में जगह जगह खाद्य वस्तुओं के सैंपल भर के मौके पर ही वैन में किए जाएंगे टेस्ट। राज्य मंत्री ने कहा, सतर्क हो जाएं मिलावटखोर, मिलावट के खिलाफ जारी रहेगा अभियान। मेरठ से मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट। आज का कार्यक्रम यही, हमारी जो प्रयोगशाला है इसका शुद्धिकरण किया गया है। यहाँ क्योंकि कम कमरे थे और पूरे तरीके से हम जो है पूरे नमूने को टेस्टिंग यहाँ नहीं हो पाती थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए 6 करोड़ कुछ लाख रुपया दे करके इसमें जो है इसका शुद्धिकरण कराने का काम किया है। और इसी पर्पज से हम लोग जो है यहाँ आज इसका लोकार्पण करने के लिए आए थे। देखिए, एक तो जन जागरण, जन अभियान, हम जो है अपनी जो हमारी वैन जो प्रयोगशाला के माध्यम से हम चला रहे हैं पूरे प्रदेश में, वो जाकर के पब्लिक को इकट्ठा की करेगी। और पब्लिक को इकट्ठा करने के बाद में वो किसी भी दुकान पर खड़े होकर के वो वहाँ का किसी भी खाद्य पदार्थ का सैंपल लेगी। सैंपल लेने के बाद उसकी टेस्ट करेगी और टेस्ट करके वहीं साथ के साथ ये बताएगी कि इस फला खाद्य पदार्थ में ये कमी है, ये मिलावट है। तो जो लोग वहाँ देख रहे हैं उन्हें भी बताएगी और उस दुकानदार को भी बताएगी कि आपके इस पदार्थ में ये मिलावट है, इसलिए इस पदार्थ को लेना बंद कर दें। पब्लिकली जब ये सारी जानकारी होगी तो पब्लिक भी इस बात को अच्छी तरह, हमने एक प्रयोग और हम कर रहे हैं, प्रयोग ही नहीं सफल प्रयोग हमारा हो रहा है कि हम इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, हम विद्यालयों में जा करके बच्चों को भी इसके बारे में पूरा जानकारी दे रहे हैं कि इस तरह की, अगर इस ये कलर होगा, इस तरह की चीज़ होगी, इसमें इस तरह का ये डालने से, पानी डालने से इस तरह का कलर आएगा, तो ये चीज़ें इसमें मिलावट होगी, उसे खाने से परहेज करें। तो पूरे तरीके से हम यहाँ जैसे जैसे कोई पूरे वर्ष रेगुलर हमारे नमूने भरे जाते रहते हैं, लेकिन जब त्यौहार आते हैं, त्यौहारों पर चाहे वो दीपावली हो, होली हो या ईद हो, इन त्यौहारों पर हम जब हमारे अधिकारी विशेषकर अभियान चला करके नमूने भरते हैं और उन नमूनों को हम टेस्टिंग लैब भेज करके जो नमूने फेल होते हैं उन लोगों के खिलाफ, उन व्यापारियों के खिलाफ भी बहुत कड़ी कार्रवाई का हम अनुरोध करते हैं। कोर्ट में इसका निर्णय होता है और जहाँ तक यह है कि हम सफल, इसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि आज आप मेरे ख्याल में ये शिकायत मेरे सामने आई है, आप खुद डाक द्वारा मुझे ही शिकायत कर दें, अगर और भी कुछ नहीं है, डाक द्वारा अगर शिकायत कर दें, टेलीफोन द्वारा मुझे ही शिकायत कर दें, तो मैं उसका संज्ञान पूरा पूर्ण रूप से लूंगा। इसमें एक काम और होता है, आपका विभाग उस शिकायतकर्ता के खिलाफ उसी से जिसकी शिकायत करता है उसे लिखवा के ले लेता है कि ये मुझे मारने की धमकी दे रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है, इस तरह के कई प्रकरण सामने। नहीं, अगर इस तरह का कहीं प्रकरण है तो हमारे संज्ञान में लो, हम उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखिए, पूरे तरीके से माननीय योगी जी की सरकार हर तरीके से हर व्यक्ति को न्याय देने के लिए और पूरे तरीके से साफ सुथरी खान पान यहाँ से जनता को देने के लिए, पूरे तरीके से मिलावट खोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है। और उसमें शिकायतकर्ता को आप फोन हमें करके बताएं, हम आपका पता गोपनीय रखेंगे, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जागरूकता चल रही है लेकिन कुछ फैक्ट्रियां ऐसी हैं, अगर मैं सॉस की बात करूं तो कलर मिला के सॉस बेच रहा है, उन कंपनियों को, उन फैक्ट्रियों के ऊपर जो है अगर इस तरह की बात है तो हम आज ही यहाँ निर्देश देकर जाएंगे उन अधिकारियों को, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।